हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रधान ग्रुप स्पेशली डील इन IMT खरखोदा, कॉन्टेक्ट अस 9355500009, 9643971000, 7650027000, www.pradhangroup.com। गारंटर बनने वाले रहें सावधान, कुर्क हो सकती है आपकी संपत्ति। ऐसा ही एक मामला बहादुरगढ़ में सामने आया है। जब गारंटर की संपत्ति की कुर्की के नोटिस आए तो उसने परेशान होकर पहले तो 2 बच्चों की हत्या की, फिर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। जबकि उसका कसूर केवल इतना ही था कि वह अपने एक दोस्त का इस समय गारंटर बना था, जब उसके दोस्त ने कार खरीदी थी और अब उसने लोन की किश्तें चुकाना बंद कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई को पता लगाने में जुटी है। दोस्त ने नहीं भरा लोन, गारंटर ने अपने बेटे बेटी की हत्या कर सुसाइड किया। बहादुरगढ़ में कंपनी ने गारंटर की जमीन कुर्की को दिया था नोटिस। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गंगडवा में पिता ने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में पिता करमबीर 37 वर्ष, बेटा तनुज 11 वर्ष का व बेटी मुस्कान 13 वर्ष की शामिल हैं। करमबीर ने दोस्त सोलदा गांव के नवीन की 2 गाड़ियों कैंटर कार के लोन में गारंटी दी थी। अब नवीन लोन की किश्त नहीं दे रहा था। श्रीराम कंपनी ने गारंटर करमबीर को नोटिस दिया, फिर भी राशि जमा न होने पर करमबीर की जमीन की कुर्की का नोटिस दिया गया। 23 अक्टूबर को कुर्की होनी थी। ग्रामीणों की गुहार पर कुर्की टल गई थी, पर करमबीर परेशान था क्योंकि अब नवीन ने लोन चुकाने से मना कर दिया था। करीब 8 लाख रुपए की देनदारी हो गई। इससे परेशान करमबीर ने शनिवार देर रात पहले मुंह पर कपड़ा बांधकर दोनों बच्चों को फंदे पर लटकाया, फिर खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी सुमन की शिकायत पर करमबीर पर 2 बच्चों की हत्या व नवीन पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। बादली थाना ASI सुनेले कहा कि जांच की जा रही है। पत्नी अपने चाचा ससुर को बुलाने गई तो उठाया कदम। घटना से पहले करमबीर की इसी बात पर पत्नी सुमन से कहा सुनी हुई थी। पत्नी पड़ोस में रह रही चाचा ससुर को बुलाने चली गई कि करमबीर बहकी बातें कर रहा है। उनके आने तक करमबीर ने बच्चों की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।